जी नसरीन, एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हैं। और आज के दिन की जो है यकीनन जो मोमिनीन को और जो मुस्तहक लोग हैं उनको खाना खिलाने का जो आज एक सिलसिला जारी होता है, बहुत ही रू परवर होता है और एक रिमाइंडर होता है हम सब लोगों के लिए कि हम बहुत सारी दुनिया में लोग ऐसे पाए जाते हैं जिनको पेट भर के खाना नसीब नहीं हुआ करता। और उनको और इसे ये नहीं भाई सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं है, अगर इस पैगाम को हम बहुत दूर तक लेकर जाएँ और इसको कंटिन्यू करते रहे आज के दिन के बाद भी, तो आप देखिए कि बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहां पर बहुत सारे ममालिक को छोड़िए हमारे सिंध में थर में जो हाल होता है, जो है अवाम का हाल, उनकी चले हुकूमत को तो अपना जवाब देना पड़ेगा खुदा ताला को। हम इंडिविजुअली इनफरादी तौर पर बहुत कुछ कर सकते हैं, जवाब देना है। एक कॉल भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम जी, मिसेस खुशामदीद जी, आपके टॉपिक के हवाले से बात करना चाहती हूं। बिस्मिल्लाह जी जी, बिस्मिल्लाह कीजिए। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इतनी बड़ी वो हस्तियां जिनके पाँव की धूल से उठने वाली एक जरे के बराबर भी कोई नहीं है दुनिया में, वो इतने बड़े लोग थे जो इमाम जाफर सादिक जो उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है कि फखर बल्कि महसूस किया है कि मैं दो रिश्तों से हजरत अबू बकर सदीक रसूलल्लाह तआला अन्हा का बेटा हूँ, और इस चीज पर उन्होंने फख्र महसूस किया है। अब वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके पास हजरत अली रसूलल्लाह तआला अन्हा की जब खिलाफत थी और हजरत अमीर माविया की, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जिंदा थे और आपने उम्रे उम्रे के लिए जाना था, तो आपको रास्ते में सहाबा कराम के साथ 1400 सहाबा थे आपके साथ, और आपको रोक दिया गया कि आप उम्रे के साथ नहीं कर सकते आप उम्रा। तो मक्का वालों ने एक किस्म की एक जंग उनके खिलाफ कर दी कि अगर आप आए तो हम आपके साथ जंग करेंगे। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु को अपना सफीर बनाकर भेजा कि जाके देखो कि वो क्या हालात हैं वहाँ के और वो क्या चाहते हैं। तो जब वो सफीर बन के गए तो उनकी अफवाह फैली के उनको शहीद कर दिया गया है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बैत ली, जो 1400 मुसलमान आपके साथ थे उम्रे के लिए जाना चाहते थे उनसे बैत ली कि मैं हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु का बदला लूंगा और हम लोग मक्का वालों से जंग करेंगे, क्योंकि हजरत उस्मान गनी हमने सफीर बनाकर भेजे थे, एक अमन का पैगाम दिया था और उन्होंने उनको शहीद कर दिया है। इसका मतलब है कि उन्होंने खुद एक जंग डिक्लेयर की है। जब हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद नहीं हुए थे उस वक्त, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत ली थी सब सहाबा इकराम से कि मैं हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हा का बदला लूंगा। और जब नबी हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा का खिलाफत का दौर था, तो हजरत उस्मान गनी जिस तरीके से बेदर्दी से शहीद हुए और जो कुछ हुआ उस वक्त, हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा वक्त के इमाम थे, खलीफा थे, और उस वक्त हजरत उस्मान गनी के जो कातिल थे जिन्होंने उनको शहीद किया था, तो हजरत अमीर माविया ने कहा कि क्योंकि वो रिश्तेदार भी थे हजरत उस्मान गनी के, तो उन्होंने कहा कि हम हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हा का बदला लेंगे। और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि इस वक्त जो है बहुत फसाद है, बहुत आपस में एक डिवीजन है, क्योंकि उनकी जो शहादत हुई थी उसके बाद बहुत ज्यादा लोगों ने फसाद डाला, बल्कि दीन के बारे में उल्टी उल्टी बातें शुरू कर दी। तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा कि वक्त का ये तकाजा है कि हम लोग वक्ती बदला ना लें। और हजरत अमीर माविया ने कहा कि उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कहा था, तो इस बात के ऊपर उनका आपस में इख्तलाफ हुआ। और फिर एक दफा जब रूम के बादशाह ने हजरत अमीर माविया को कहा कि मैं जो उनके आपस में इख्तलाफ थे तो उससे फायदा उठाने के लिए जो रूम का बादशाह था उसने कहा कि हजरत अमीर माविया को कि अगर तुम कहो तो मैं अपनी फौज भेज दूं हजरत अली के लिए, कि
उनके साथ तुम मुकाबला करो तो मैं अपनी फौज भेजूंगा। तो हजरत अमीर माविया ने उसको गाली दी और कहा कि अगर तुम हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हा के खिलाफ अगर लड़ने का प्रोग्राम बनाओ तो सबसे पहले मैं जाकर तुम्हारी फौज के खिलाफ होगा। आपका मौकफ आ गया, मैं थोड़ी सी इस पे ऊपर मारजात पेश करता हूँ। बहुत उम्दा बात हमारी बहन ने की कि उन्होंने कहा कि अमीर शाम ने गाली बकी, और ये तमाम चीज़ें जो हैं, देखें हम एक चीज़ को जो है वो एक सिस्टम को फॉलो करने वाले लोग हैं। जैसे कि हम इमामत को फॉलो करते हैं तो हम इमामत को फॉलो करते हैं, अगर आप एक खुलफाए राशिदीन को फॉलो करते हैं तो फिर वहाँ पर मौला अली के साथ पैरेलल हुकूमत कैसी, जब चौथे खलीफा थे वो, हाँ तो पहले हुकूमत कैसी, ये बताया जाए कि अमीर शाम ने बगावत कब की, क्यों थी उनकी हुकूमत, पहली तो बात ये क्यों की, जब 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 चौथे नंबर पर मौला अमीरुल मोमिनीन आ गए, बिल्कुल मौजूद से हटिए मैं बात नहीं करूंगा, मगर थोड़ी सी इस पे को ऊपर जब चौथे खलीफा खुलफाए राशिद बकौल आपके, हम तो अव्वल इमाम मानते हैं, मगर जब चौथे खलीफा की हैसियत से आप ले रहे हैं तो ये पैरेलल हुकूमत कैसी, और फिर एक ऐसे शख्स की जो गालियां बक रहा है आप खुद इसके ऊपर जो है वो ऑन एयर इसके ऊपर बात कर रहे हैं, क्या कहीं से कोई दिखा सकता है सुन्नत नबवी में कि वो किसी ऐसे शख्स को मुअय्यन करेंगे जो गालियां बकने वाला हो, चाहे हालात किसी भी किस्म के क्यों हों। देखिए ये इख्तलाफात कर दिएगे वो कर दिए, इख्तलाफात नहीं हो, जहां मौला अली अमीर मोमिनीन सलाम के दौर में कत्ल हुआ ये वो, तो तारीख गवाह है कि वो उम्मत ने हुजूम किया और ये हुआ मौला मोमिन आखिर वक्त तक इमाम हसन इमाम हुसैन सलाम से पानी की मशकें भरवा के भिजवाते रहे और ये तमाम काम होते रहे और पूरी बचाने की पूरी कोशिश की, मगर ये खारजियों का नारा है कि उम्मत में इख्तलाफ फैलाया जाए और ये इंजाम मौला मिल मोमिन के सर डाला जाए और जो है वो एक उम्मत के अंदर दस्तोगरेबा किया जाए। तो हम चाहेंगे कि इन चीज़ों से टॉपिक के ऊपर बात की जाए, परहेज़ किया जाए कि इन मौजूआत को ना छेड़ा जाए और ये आलिमाना है और उनको उन्हीं फोरम के ऊपर जो है वो वापस ले जाया जाए और वहाँ पर रखा जाए, क्योंकि हम किसी भी सिस्टम के अंदर पैरेलल सिस्टम को तस्लीम करने वाले नहीं। कॉलर को शामिल करेंगे, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अली भाई मैं दोबारा अगर माफी चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा ये क्लियर करना चाहता हूँ अपनी बहन को, बड़ी अच्छी बात की उन्होंने। बात तो ये है कि कुरान में अल्लाह ताला ने जो भी जालिम हो, कोई भी हो, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो काफर हो, जालिम हो, अल्लाह ताला ने उसको लानत की है। ठीक है, हम तो यही तो फर्क जो है ना वो अलहदा करना चाहते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहते हैं। हक को फॉलो करना है हमने, अल्लाह ताला भी हक को कह रहा है कि हक को फॉलो करो। हम भी अल्लाह ताला से दुआएं करते रहे और दुआएं करने के बाद वो लोगों को हक बताते रहे, तो शैतान ने भी दुआ की कि मुझे मोहलत दे दो, तू ही कादर है, तू ही सब कुछ है, उसने भी मांगा, शैतान ने भी मांगा अल्लाह ताला से दुआ करके, तो उसने ये दुआ की कि मुझे भी दे जो मेरा मैंने तेरी इबादत की थी उसके अजिंद हुए, उसने मोहलत मांग ली। फिर उसने ये कहा कि मैं इंसानों की ईंट से ईंट बजा दूंगा। अब बात ये है कि हम सबको अच्छा कहें और रजी अल्लाह कह के पुकारे, तो यही तो हमारी जो कुछ बड़ा गर्क हुआ हमारा कि हम सही को सही नहीं कहते और गलत को गलत नहीं कहते, यानी कि मरने वाला भी वो भी हक में था और मारने वाला भी हक में था। पहले तो ये चीज जहन में निकाल दें कि जो भी बात करे और बात इस तरह करे कि जो मैं अभी बता रहा था कि जो इब्राहिम के मुकाबले पे आया था वो अल्लाह का दुश्मन था, जो हजरत मूसा के मुकाबले पे आया था उसका दुश्मन अल्लाह का दुश्मन था, इसी तरह जो भी अहले बैत के मुकाबले पे आते रहे वो भी अल्लाह ताला के दुश्मन ही थे। अगर हम उनको रजी अल्लाह कह के पुकारे तो फिर ये हम भी उनके साथ ही उठेंगे जिनको हम रजी अल्लाह कह रहे। सिर्फ ये फर्क ध्यान में रखे, हक और बातिल को पहचान ले। जिस दिन ये कौम हक और बातिल को पहचान लेगी, मौला अली ने तो उसको खत लिखा था माविया को कि जब कहा कि तुम मदीने आके मुझे आके मेरे से मीटिंग करो, तो उसने कह दिया था मैं तेरी खिलाफत को तो मानता ही नहीं हूँ। और फिर मौला ने फिर खत लिखा कि मुझे उन्हीं लोगों ने बताया जिन लोगों ने अबू बकर को चुना था, उस्मान को चुना था, उमर को चुना था, वही लोग हैं मुझे बनाने वाले, क्यों इस वक्त भी इन्हें इनकार कर रहा है। अब यही बात को उन्होंने इस ढंग में कर दी है लोगों को डबल स्टैंडर्ड दे के, जो मेरी बहन जो बात कर रही थी, इन बेचारों के का कसूर क्या है कि इनको डबल स्टैंडर्ड मिला हुआ है, तो तभी ये मिक्स एंड मैच करके बना देते। बात यह है कि हक को हक कहे,
اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا قرآن میں انما یرید اللہ لیذھبنکم رجسا و اہل بیتی بطاہرکم تطہیرا، مانے ان کو جن کو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ یہ پاک ہے، ہم ان کی پیروی کریں گے کہ ہم معاویہ کی کریں گے یا ابو سفیان کی کریں گے؟ نہیں. اور پھر عمران فضل صاحب کے پیرلل سسٹم کیسا، جب امیر المومنین کو آپ نے چوتھے نمبر پر رکھا ہے تو چوتھا پورا تو تسلیم کر لینا، پھر اسی کو بنا رہے تھے جو پیرلل لے رہا ہے، پھر اس کے اندر شام کے گورنر کی پک کیسی، اور پھر ایک شخص ایسا جو کہ ممبر رسول میں بیٹھ کے گالیاں پکے، مطلب پھر تسلیم کیا جائے، امیر کہا جائے، حیرت انگیز باتیں ہیں. علی بھائی یہ وائن پینے والے لوگ تھے اور اس وقت بھی ان کے ساتھ مکس تھے گوروں کے ساتھ، وہی ان کی ترتیب پہ لٹکے رہے ہیں، اور گوروں نے بھی کتابیں لکھی معاویہ کے اوپر کہ ہی واز اے ویری گڈ پولیٹیشین، اور یہی پالیٹکس جو ہے اس وقت دنیا میں چاہ رہی ہے، معاویہ کی پالیٹکس چل رہی ہے. یہ جتنا ویسٹ کیا کر رہا ہے، معاویہ کو فالو کر رہا ہے، اور مسلمانوں کو کس طرح ملک کے ملک جو ختم کر دیے ان لوگوں نے، یہ معاویہ کی پالیسی تھی. معاویہ بھی یہی کرتا تھا، مولا علی کے دور میں جو بھی مولا علی کا گورنر ہوتا تھا یا تو اس کو خریدتا تھا، جو خریدا نہیں جاتا تو اس کو مروا دیتا تھا. اسی طرح تو مولا کی حکومت کو انہوں نے ناکام بنایا چار سال کی حکومت میں، اور مولا علی نے یہ بھی کہا کہ وہی بےعزت آ گئی جو رسول کی تھی، وہ رسول کا وقت واپس آ گیا ہے. تو تب لوگوں نے شکر کے کلمے پڑھے اور انہوں نے نمازیں بھی ایسی پڑھائی جو نبی پاک پڑھاتے تھے. تو جن لوگوں نے معاویہ کو رحمت اللہ یا رضی اللہ کہہ رہے، اللہ تعالیٰ ان کو معاویہ کے ساتھ اٹھائے، میری دعا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ. ایک اور کالر شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب انیس حیدر صاحب، خوش آمدید. خوش آمدید. آپ کے سامنے ایک کنڈا پڑا ہوا ہے، پتہ نہیں اس کے اندر خالی ہے یا نہیں، کھیر ہے، پوریاں ووریاں بھی ہے شاید. ارے پوریاں نہیں، کھیر ہے. اچھا کھیر ہے، تو بہت ہی خوبصورت آج کا آپ کا یہ موضوع بھی آپ نے بہت اچھا رکھا ہے، امام جعفر صادق اسلام کی نظر کے میں، اور جس کو ہم کنڈا بھی کہتے ہیں. اکثر ہمارے مومنین جو ہیں جو پاکستان میں ہیں، وہ ہر مہینے یہ نظر دلواتے ہیں اور مختلف لوگوں کو بلاتے بھی ہیں ہر مہینے 22 تاریخ کو. تو بہت ہی خوبصورت یہ ٹاپک ہے، اور اس پہ آج جلسہ اسلامی سے بھی کچھ لوگوں نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ ہمارے جو کنڈے ہوتے ہیں یہ ٹھیک ہیں یا نہیں. تو انہوں نے بتایا بالکل جائز ہے، یہ کنڈے ہونا چاہیے، اور اس سے بہت زیادہ معطر نبی اضافہ ہوتا ہے. اب اس کی میں تفصیل یہ بتانا شروع کروں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں اتحاد بین المومنین، تو میرے خیال میں کنڈے جو ہیں، جو نظر ہم دیتے ہیں امام جعفر صادق اسلام کی، وہ بہترین اتحاد بین المومنین کا منظر نظر آتی ہے. کیونکہ اس میں صبح سویرے یا جو بھی وقت مقرر کیا جاتا ہے، اس میں مومنین کو دعوت دی جاتی ہے کھانے کے لیے، سب آپس میں بیٹھتے ہیں، محبت اور اخوت کا جذبہ ہے، جذبہ پگھل ہوتا ہے، جس کی شدت کے ساتھ ضرورت ہے ہمارے تمام مومنین کے لیے، تاکہ آپس میں محبت پیدا کریں. اور بے حد امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپس میں ایک دوسرے ساتھ محبت ہو، اخوت ہو، بھائی چارہ ہو. آپس میں اگر ذرا سی بھی کمزوریاں ہیں جن میں وہ دور ہو جائیں. تو پاکستان میں تو یہ ہے کہ صرف اہل تشہیر نہیں مناتے ہیں، بلکہ دوسرے لوگ بھی اس کوڈے بناتے ہیں اور نظر دیتے ہیں، اس پہ سب کو بلاتے ہیں وہ لوگ. تو اس میں بہت اچھا ایک ماحول جلوہ پہ جن ہوتا ہے، اور بہت اچھی باتیں ہمیں سننے کو ملتی ہیں، بہت اچھے طریقے سے ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں. تو سب سے اہم جو چاہیے اس کا، وہ ہے قربِ الٰہی. قربِ الٰہی اس سے بہت اس طرح واضح ہوتا ہے کہ جب آپ مزہ کے لیے جاتے ہیں، جب دعا مانگتے ہیں، تو آپ کو ایک قسم سے اندر سے جسمانی تو آپ کو ملتا ہی ہے، لیکن روحانی بھی آپ کو خوشی محسوس ہوتی ہے. اور معرفت کے ساتھ اگر یہ اس قسم نظریں دی جائیں اور نظر کی جائے، تو یقین کیجئے اس سے بہت زیادہ نہ کہ صرف ہم مسلمانوں کو، بلکہ ہماری جو نئی قوم ہے، نئی جنریشن جو ابھی آ رہی ہے، تو جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو بیٹا یہ نظر ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی نظر ہے، تو ان کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے، تو پھر وہ ان کی نالج میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا.
और उनको बताया जाए कि भैया देखिए इस तरह से तबर्रुक होता है और इसको इतनी एहतराम से हम लोग उठाते हैं। तो बेहद शुक्र गुजार हूँ आप, बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम आपका, खुदा आपके सलामत रखे, खुदा आपको जज़ाकअल्लाह। नहीं सदर साहब जी, एक और कॉलर हमारे साथ है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। कौन भाई, कहाँ से? मैं मोहम्मद बात कर रहा हूँ, मोहम्मद नकवी फ्रॉम मैनचेस्टर। मुझे एक सवाल था, जल्दी से आप ही से, मुझे टीवी पे नहीं पूछना, वो ये था कि आप ऑन एयर इस्तखारा निकलवाना था मुझे। आप ऑन एयर हैं, टीवी पे ही पूछ रहे हैं, मगर ये चूंकि इस्तखारे का प्रोग्राम नहीं है और आप 12 के बाद कॉल कर लें तो देखेंगे अगर कहा जी उनमें से कौन है तो आपको वहां से बात करें। बेहतरीन बेहतरीन, बहुत बहुत शुक्रिया जी, जज़ाकअल्लाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू जनाब। बहुत ही हम कॉल है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू अली मौसी भाई, मेरी बहन को सलाम अलैकुम, महामारी लंदन से मैं कुंडा देख रहा हूँ, लेकिन कुंडा आपका बहुत डूंगा है, ये होना चाहिए फ्लैट होना चाहिए, कुंडा फ्लैट। कोई बात नहीं, कुंडा करके कुंडा करने ही होता है, डूंगा ही होता है भाई, कुंडा 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 होता है ना, एक नहीं एक भी होता, कुंडा कर दिया, समझ रहे हैं ना? जो मैं कह रहा हूँ वो रिकॉर्ड हो रहा है, जो आप समझ रहे हैं रिकॉर्ड नहीं हो रहा। ये आपकी बात दुरुस्त है। तो अमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम, मेरे पास टाइम बहुत कम है, आपने जल्दी जल्दी जो है वो, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ये फिकी इमाम है, तो मैं सीधी सी बात ये कहूंगा, देखें कि मुझे जब भी मैं देखता हूँ इस्लामी हिस्ट्री देखता हूँ, नबी पाक को, अपने इमामों को, मौला कायनात को, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देखता हूँ, तो इनमें से मुझे एक सहाबी रसूल बड़ा याद आता है, वो है हजरत अबू जर गफारी रजी अल्लाह ताला, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अबू जर जैसा सच्चा कोई नहीं। उनका उनकी एक बात मुझे बड़ी प्यारी लगती है, वो यही कहते थे मदीने की गलियों में भी और वो शाम की गलियों में, ओ ऐ लोगो, ये वो दीन नहीं है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसका रास्ता तुम्हें दिखाया था, ये इनकलाब वो नहीं है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से चला था और उसकी तकमील जो थी वो नबी पाक ने कर दी थी। तो यही हमारे इमामों का था कि अगर हम अबू जर गफारी रजी अल्लाह ताला को याद नहीं करेंगे ना, तो वो इमाम जो थे उनका भी यही मैसेज था। तो ये जो हम कूड़े करते हैं, माशाल्लाह करना चाहिए, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, हम भी करते हैं, और ये वो चीज है कि जब इसकी, तो अभी मैं आपसे फोन करने से पहले एक घंटा मेरे मुझे डैडी ने इसी कूड़े के ऊपर पूरी इस्लामी हिस्ट्री के ऊपर मुझे लेक्चर दिया है, लेकिन आपके पास टाइम नहीं, लेकिन उसके कुछ मैं नकाद आपके साथ पेश करता, लेकिन उसमें यही है कि करने चाहिए, इसमें कोई कबाड़ नहीं है, सब करना चाहिए। तहरीक को जो मकसद है इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम का, जो चलता आ रहा है वो मकसद हमें नहीं भूलना चाहिए, वो यही कहना चाहिए, हमें आवाज उठानी चाहिए कि ऐ दुनिया वालों, ऐ उम्मत वालों, वो ये वो दीन नहीं है जो नबी पाक छोड़ गए थे, आओ उस तरफ चलें और इंशाल्लाह ताला इसकी तकमील करेंगे। थैंक यू वेरी मच, हमने तो आज थोड़ी सी बात भी करनी थी पाकिस्तान के मतलब, लेकिन आप मुख्तसर सी कॉल शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह जनाब, मैं काफी देर से ट्राई कर रहा था लेकिन नंबर जो है ना वो मेरा क्यू में जा रहा था। पहले तो मैं आज के दिन की न्याज की भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, सेशन का दिन है, और एक मेरी बहन अभी आई थी थोड़ी देर पहले, उन्होंने कहा था कि हजरत उस्मान रदी अल्लाह ताला अनहो होता है, अनहा नहीं, अनहाल औरतों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये उनकी तसहीह कर दूं मैं। मसला ये है कि पहले आप ये देखें, उन्हीं से मैं सवाल करता हूं कि उनके कातलों में तो जनाब अबू बकर का बेटा भी था, मोहम्मद बिन अबू बकर, उनको कहां पे रखेंगे? उनके कातलों में इब्ने हुदैस था जो इनका अपना साहबी था, उसको कहां पे रखेंगे? एक कबीले का सरदार था, हुरैस या हुदैस, मैं नाम वो ना गिर जाऊं। वरदान था जो खुद मौला अली का कातिल है, वरदान, ये पूरे पूरे कबीले तीसरी खिलाफत के मुकाबले में क्यों आए? पूरी उम्मत क्यों उठ के आई? सोचना पड़ेगा ना यहाँ पे। और दूसरी बात ये थी कि आप आज के दिन उस गरीब शाम की, उस फकीर शाम की आपने बात की है, जिसका नाम लेने से भी इंसान को लगता है कि शायद मुझे गाली दे रहा है,
پرابلم یہ ہے کہ اس کو جا کے خود دیکھیں کہ 70 سال تک آپ نے پتہ نہیں کہاں سے حدیثیں پڑھ لیتے ہیں, اور خود مولا کے فرمان, خود امام حسین نے جو ٹریٹی سائن کی تھی, سیدھی سی بات سیراج صاحب, سیدھی سیدھی سی بات ہے, اگر دو پیرل حکومتوں کو بھی مانا جائے تو یہ پھر سفین کیوں ہوئی تھی اس میں جو مسلمان مرے کس کو لیں گے؟ کہ مولا امام حسن علیہ السلام کی اس ٹریٹی کا کیا کرو گے جو خود صلح ان کے درمیان ہوئی تھی, اور سب سے پہلی جو شکوہ کیا کہا گیا تھا کہ میرے بابا پہ جو سب و ستم تم نے جاری کیا ہوا ہے اس کو بند کرواؤ, تو کس طرح وہ فقیر شام پہنچتے ہیں وہاں تک, میں خود مقابلے میں آؤں گا مولا کا, اگر دفاع کروں گا یہ وہ, مولا کو خود خود سے کھڑی ہوئی ہے, اس معاہدے کو پڑھ لیں تو ساری جو ہیں وہ چیزیں کلیئر ہو جائیں گی. اور اینڈ پہ یہ کہوں گا کہ پھر آج کے دن کی لوگ اپنی کہتے ہیں نا ڈیٹ آف برتھ چینج کرتے رہتے ہیں, چھپاتے رہتے ہیں, اور ستم ظریفی ان کی یہ دیکھیں کہ ان کو مرد جو اس کی ڈیٹ جو ہے وہ چینج کرنی پڑ گئی. چلیں خیر, اللہ بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. پروگرام کا وقت بھی جو ہے وہ ختم ہو گیا, ہم چاہتے ہیں کہ موضوع کے تحت بس جو ہے وہ کال نہیں لے سکتے, جی ہاں اب ہم کال نہیں لے پائیں گے کہ موضوع کے اوپر بات ہو, موضوع کو ٹرن کیا جائے یہ جو ہے وہ اچھی بات نہیں ہوتی, اور اس میں اگر ظاہر ہے کچھ چیزوں کی نالج ملتی ہے انفارمیشن جائے, مطلب جو کہ جہاں پر علماء کے پینل بیٹھے ہیں وہاں پہ سوال کریں تو وہ باقاعدہ تاریخ کے اور دلیلوں کے ساتھ وہ دیں گے, روایات کے ساتھ ہمارا کچھ ہم بات کچھ کر رہے ہیں, ہم وہاں پر صبح ہی صبح جو ہے وہ معاملات, بہرحال اس کو جو بھی بات ہوگی ضرور کی جائے گی, یہ بھی فورم ہے لائف کال, اسی لیے ہم کاٹتے ہیں کسی, ہم ابھی آپ کی کال نہیں لے پائیں گے, انشاءاللہ کل شامل کریں گے آپ کو, انشاءاللہ کل جو ٹاپک ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہمارے ناظرین انشاءاللہ اس کے ساتھ ہم کل حاضر ہوں گے. معافی چاہتی ہوں ناظرین, ہمیں اجازت دیجیے, انشاءاللہ ہماری اب آپ کی کل ملاقات ہوگی, اپنا بہت سا خیال رکھیے گا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.